नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार और मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर पाटीदार होम्योपैथिक सेंटर भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक लाइफस्टाइल रिलेटेड एक बीमारी को लेकर आए हैं जिसको कि हेमरॉइड्स कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में उसको पाइल से बवासीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम में से कई लोगों को ये समस्या होती है, बट डॉक्टर तक पहुँचने में पेशेंट कई बार देरी कर देता है सम संकोच के चलते, और जिससे कि उसके ये सिम्टम्स जो है बीमारी है गंभीर रूप धारण कर लेती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आखिर बवासीर जो है पाइल्स है और हेमरॉइड्स हैं, ये आखिर होते क्या हैं, इनके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या मरीजों में लक्षण देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करेंगे, इसके प्रिवेंशन और साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको अपने क्लिनिकल अनुभव शेयर करने वाला हूं और बहुत ही अच्छा एक फार्मूला जो है मैं आपको बताने वाला हूं जिससे कि 80 से 90% आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आखिर बवासीर होता क्या है। दोस्तों, जो एनस होता है, मलद्वार होता है जहाँ से स्टूल पास किया जाता है, उस एरिया में जो वेन्स होती हैं जो कि अशुद्ध रक्त को हार्ट तक लेके जाती हैं, वहाँ की जो वेन्स हैं उनमें वेरिकोसिटी डेवलप हो जाता है। वेरिकोसिटी डेवलप होने के कारण वहाँ की जो नसें हैं वो वीक हो जाती हैं, और फिर जब उन पर किसी तरह का प्रेशर आता है तो उसमें जो है ब्लड वहीं के वहीं इकट्ठा होने लगता है, और फिर कंटिन्यूस जब प्रेशर उस पर पड़ता है तो वहाँ की जो वेंस हैं वो जो खून की नसें हैं वो रक्चर हो जाती हैं, मतलब कि ब्रेक हो जाती हैं, और ब्लीडिंग जो है वहाँ से होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसी कंडीशन को नाम दिया गया है बवासीर या हेमरॉइड्स। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके पीछे आखिर ऐसी क्या कारण है, क्या ऐसी वजह है जिनके चलते ये समस्या डेवलप होती है। तो चूँकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है तो इसका जो सबसे पहला जो कारण है वह है प्रोलॉन्ग सिटिंग। जो लोग बाय प्रोफेशन के चलते आईटी सेक्टर में काम करते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, जिनका 8 से 10 घंटे तक बैठने लगातार बैठने का जिनका काम होता है, अक्सर ये उनमें देखने को मिलता है दोस्तों। और दूसरा जो कारण है इसका वह होता है कि लेस फिजिकल एग्जर्शन की, जो लोग बैठे हुए हैं और जो ज़्यादा फिजिकल एग्जर्शन जिनका नहीं हो रहा है, ऑफिस गए भाग दौड़ करते हुए और फिर वहाँ से जो है 8-10 घंटे इन्हें जॉब किया, फिर रात को लेट नाइट आए और डिनर किया अपना, और जो लोग सो जाते हैं तो उनका फिजिकल एग्जर्शन इतना हो नहीं पाता है, तो उसकी वजह से जो वोवेल मूवमेंट है जो कि एक पैरास्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वोवेल का हाथों का, तो वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, जिसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत होने लगती है और फिर मोर टाइम लगता है इनको स्टूल पास करने में, और जिससे कि वजह से फिर प्रेशर वहाँ क्रिएट होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ की वेंस फूलने लगती हैं और पाइल्स जो है डेवलप हो जाता है। दोस्तों, तीसरा जो इसका प्रमुख कारण है वह है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा जो होता है उसमें फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है, इस कंडीशन को ओबेसिटी कहा जाता है। और जिन लोगों का वजन ज़्यादा है उनका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वेंस में जो है ज़्यादा प्रेशर जो है पड़ता है, जिसकी वजह से वो फिर से जो है फूलने लगती हैं और फिर उनको पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, एक तो महिलाओं में जो प्रमुख कारण है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार पाइल्स डेवलप हो जाता है, उसके पीछे भी इंटर एब्डोमिनल प्रेशर होता है, जो कि यूट्रस का साइज़ बड़ा होने से वहाँ पर इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेक्टल जो वेन है यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है और उनमें पाइल्स डेवलप होने की चांस प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जो लाइफस्टाइल है कि अनहेल्दी खाना खाना और बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर और ऑयली स्पाइसी नॉन वेज, इस तरह की जो लोग डाइट लेते हैं उनमें अक्सर पाइल्स देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे लोगों में अक्सर कब्ज की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पाइल्स उनमें डेवलप हो जाता है दोस्तों। तो ये रहे कुछ प्रमुख कारण, और अब हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के जो है हेमरॉइड्स होते हैं, पाइल्स बवासीर को किन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसमें दो तरह की प्रमुख कैटेगरी है, एक इंटरनल पाइल्स और एक एक्सटर्नल पाइल्स। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल पाइल्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक्सटर्नल है, मतलब कि जो आपकी जो एनल रिंग है इसके आसपास या चारों तरफ फूली हुई नसें और मसे जो है देखने को मिलेंगे, और ये जनरली एनल रिंग के बाहर पाए जाते हैं, इसलिए इनको एक्सटर्नल पाइल्स कहा जाता है। जो इंटरनल पाइल्स हैं वो रेक्टम एरिया में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी डीपली उसमें सिचुएटेड होते हैं, वहाँ की जो वेंस फूलती हैं उनको इंटरनल पाइल्स कहा जाता है। तो दोस्तों जो इंटरनल पाइल्स होते हैं मेनली इनमें ब्लीडिंग का सिम्टम्स जो ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जिन लोग कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब स्टूल पास करते समय वहाँ से जो फ्रिक्शन वहाँ से जो वेंस में फ्रिक्शन जो लगता है, जिसकी वजह से वहाँ की वेंस जो है वो ब्रेक हो जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। और जो एक्सटर्नल पाइल्स हैं उसमें ज़्यादातर पेन और जलन की समस्या की कंप्लेंट जो है पेशेंट ज़्यादा करता है। तो ये दो एक कैटेगरी हुई इसकी कि इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स क्या है। इनको एक और कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं, वो होता है ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग। तो जिन पाइल्स में ब्लीडिंग की समस्या होती है, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि स्टूल के दौरान या स्टूल के करने के बाद जिनको ब्लीडिंग की समस्या होती है, वहाँ से एनस के रास्ते से जब खून निकलता है तो उसको ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं, और नॉन ब्लीडिंग जो पाइल्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। लेकिन जो बाकी सिम्टम्स हैं, दर्द है, इचिंग है, जलन है, ये सब देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसको ग्रेड वाइज भी डिवाइड किया जाता है। जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और वो फिजिकल एग्जामिनेशन जब आपका करते हैं, तो इसमें ग्रेडिंग होती है, फर्स्ट ग्रेड पाइल, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। तो कुछ ग्रेडिंग वाइज भी इसको डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो हमने इसके ग्रेडिंग के बारे में बात की, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात किया और इसके कारण के बारे में बात किया। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि ऐसे क्या लक्षण उसमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे कि पता चले कि इनको पाइल्स है या नहीं है। तो स्टूल पास करते समय या उससे पहले या उसके बाद में पेशेंट को एक डिस्कम्फर्ट सा फील होगा एब्डोमन में और पेट में, डिस्कम्फर्ट फील होगा और एनस का जो रास्ता है इसमें दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, और साथ साथ इसमें किसी तरह का स्टिकी फ्लूड जो है उसकी यूजिंग हो सकती है, कई बार गीलापन सा वहाँ देखने को मिलता है, और ब्लीडिंग तो मेन सिम्टम्स इसका है ही कि यदि ब्लीडिंग भी कॉमनली देखने को मिलती है इसमें। इस तरह की तकलीफें मरीज जो है आके बताते हैं। यही सब कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एनस के रास्ते पे दर्द हो गया, जलन हो गया, इचिंग हो गया। दोस्तों मेडिकल में एक बहुत अच्छे टर्म्स है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि आप किसी बीमारी को पहले ही उसका प्रिवेंशन कर लेते हैं, बचाव के उपाय यदि आप करते हैं, तो आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत वहाँ नहीं होती है दोस्तों। वही पाइल्स के केस में भी है कि यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रख सकते हैं और कुछ जो उसके कारण हैं इनको आप इनसे दूर रहेंगे और खान पान में अपने सुधार करेंगे, लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे दोस्तों, तो आपको कभी भी पाइल्स की समस्या नहीं होगी। और यदि आपको पाइल्स की समस्या ऑलरेडी भी है तो भी जो है ये आपको ठीक होने में भी मदद करेगी, और दोबारा पाइल्स ना हो इसके लिए भी जो है आपको इसमें हेल्प रहेगा। तो दोस्तों क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल को सुधारना है, अनहेल्दी जो फूड ईटिंग हैबिट्स हैं इसको आपको करेक्ट करना है, ना ओवर ईटिंग करनी है और ना खाली खाली पेट रहना है। सुबह टाइम पे अपने को नाश्ता करना है, लंच करना है, डिनर, इनकी सब टाइमिंग सेट होनी चाहिए। टाइम टू टाइम नाश्ता, लंच, डिनर ये होना चाहिए दोस्तों। खाने में सिलेक्टिव फूड ही लेना है, इसमें जो है रेशेदार और फाइबर्स डाइट जो है, रिच फाइबर्स डाइट जो है ये ज़्यादा लेनी है, जो इसमें हेल्प करेगा आपको, क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। तो क्या कर सकते हैं आपकी, एक तो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है ज़्यादा मात्रा में, और आपको फ्रूट्स भी ज़्यादा मात्रा में लेना है, और कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदे, बेसन, नॉन वेज, ऑयली फूड, गरम मसाला और पूड़ी, पराठे, समोसे, कचौरी,
इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको अवॉइड करना है, ले सकते हैं, कम मात्रा में लेना है इनको दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3 से 4 लीटर आपको एटलीस्ट दिन भर में पानी पी लेना है दोस्तों, जिससे कि भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। और जो वोवेल मूवमेंट है, आंतों की जो एक मोशन है उसका, जो कि खाना पचाने और उसके लिए उत्तरदायी है, तो उसके लिए मूवमेंट को बनाए रखने के लिए भी आपको फाइबर्स डाइट लेनी है और पानी ज़्यादा पीना है दोस्तों। और जिनका सिटिंग जॉब है और वैसे भी आपको सुबह मॉर्निंग वॉक, और मॉर्निंग में नहीं जा पा रहे हैं तो इवनिंग वॉक, इस तरह का लाइफ स्टाइल के अंदर ये रखना है कि एटलीस्ट आधे घंटे आपको पैदल चलना है या एक्सरसाइज किसी तरीके की आपको कर लेनी है दोस्तों। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनको वज़न कम करने के उपाय करना चाहिए, वो भी लिमिटेड डाइट और एक्सरसाइज से ही संभव है, तो ये आपको करना है। प्रेग्नेंट वूमेन है तो प्रेग्नेंट वूमेन को भी जो है खाने के बाद टहल लेना चाहिए 10 से 15 मिनट तक, तो इससे वोवेल मूवमेंट जो है दोस्तों ठीक रहता है। तो ये हुई कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स की, इनको आप अपनी उसमें चेंज करके और इससे निजात पा सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हेमरॉइड्स और पाइल्स और बवासीर के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये जो मैं आपको अभी एक फार्मूला जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये मैं अक्सर क्लिनिक्स में पेशेंट्स को देता हूँ और इसके 90 to 100% रिजल्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि मैं कुछ जो अभी दवाइयों का जो फार्मूला बताऊँगा वो एक मदर टिंचर फार्मूला है। तो मदर टिंचर फार्मूला आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से जाके इसको ले लेना है दोस्तों। और इसमें बेसिकली 6 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है, इसमें हर दवाई को आपको 15 15 ml की मात्रा ले लेनी है। तो सबसे पहले एक 100 ml की एक खाली बॉटल आप खरीदेंगे, ग्लास बॉटल हो तो ज़्यादा अच्छा है, और उसमें आप मिक्स करवाएंगे 6 दवाइयाँ। तो कॉपी पेन आप ले लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको तो दवाइयों के नाम। इसमें दोस्तों सबसे पहली जो दवाई है वह है एस्कुलस मदर टिंचर। एस्कुलस मदर टिंचर दोस्तों पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छी एक दवाई है, जो कि खास करके नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में जो है ये यूज़ होती है। और इसमें जो है चुभन वाला एक जो दर्द होता है, पेशेंट मरीज समस्याएं अपनी बताते हैं कि सर हमें चुभन जो है वहाँ पे लगती है, तो उसके लिए एस्कुलस मदर टिंचर एक अच्छी दवाई है और साथ साथ ही कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है दोस्तों। इसके दोस्तों अगली जो दवाई है वह है रेटेनिया मदर टिंचर। रेटेनिया मदर टिंचर खास करके जब एनएस के रास्ते पर जलन ज़्यादा हो और अनबेरेबल पेन हो, स्टूल पास करने के दौरान या उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा पेन की तकलीफ़ होती है और स्टूल पास करने के बाद भी कई घंटों तक जो है वहाँ पे जलन और दर्द बना रहता है दोस्तों, तो उसमें रेटेनिया मदर टिंचर का काफ़ी अच्छा रोल है। जो मैं दवाइयाँ अभी बता रहा हूँ दोस्तों, जी सबको एक मिक्स कर लेना है कॉम्बिनेशन में। 6 दवाइयाँ हैं, 15 15 ml, 15 × 90, इस तरह का 90 ml का आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, जो कि 2 से 3 महीने आपको इसको लेना है। और आप देखेंगे कि 4 5 दिन में ही आपको काफ़ी अच्छा इसमें पाइल्स में आराम मिल चुका है दोस्तों। चलिए अब तीसरी दवाई जो उसकी नेक्स्ट दवाई है वह है पायोनिया मदर टिंचर। पायोनिया मदर टिंचर भी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का काम करता है और इसमें भी दर्द, जलन और बर्निंग, इस तरह के सेंसेशन यदि हो रहा है तो इसके लिए ये पायोनिया मदर टिंचर काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसके बाद एक दोस्तों एक ख़ास दवाई है सीडम एक्रे मदर टिंचर, जो कि एक रेयर मदर टिंचर है। ये हो सकता है आपको हर जगह होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ना मिल पाए, तो इसको आपको सर्च कर लेना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको फार्मूले में तो ये तो आपको लेना ही लेना है, सीडम एक्रे मदर टिंचर। इसके बाद यदि दोस्तों ब्लीडिंग की जिनको ज़्यादा समस्या है और चूंकि ये वेंस पे भी अच्छा काम करती है, जो हेमोमेलिस मदर टिंचर है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि वेरिकोज वेन वाले केस में और वेरिकोज सील वाले केस में, तो चूंकि ये वेंस को रिपेयर करती है और ये भी वीनस सिस्टम की एक डिसीज़ है पाइल्स और हेमरॉइड्स, तो
हेमामेलिस मदर टिंचर, चूंकि ब्लीडिंग को तो रोकता ही है, ब्लीडिंग जिनको ज़्यादा हो रही है उसमें हेमामेलिस मदर टिंचर हम अलग से भी देते हैं। तो हेमामेलिस मदर टिंचर भी इस फार्मूले में है, तो ये भी आपको 15 ml अपने फार्मूले में उसमें आपको ऐड करवा लेना है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों एक दवाई है कॉलिनसोनिया मदर टिंचर, तो कॉलिनसोनिया मदर टिंचर भी कॉन्स्टिपेशन पे ज़्यादा अच्छा काम करती है। वो साथ साथ यदि आपको पाइल्स के साथ बैकएक की भी समस्या है, यदि आपको कमर दर्द होता है पाइल्स के साथ में, तो कॉलिनसोनिया एक महत्वपूर्ण दवाई इसमें हो जाती है। तो ये हो गया दोस्तों पाइल्स का एक कॉम्बिनेशन जो कि मैं अक्सर मरीजों में देता हूँ, और इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बायोकेमिक की दवाई है BC नंबर 17, इसको भी आपको ले लेना है। 6-6 गोलियां 3 बार इसको चूसना है, सुबह को 6 गोली, दोपहर में 6 गोली और रात को 6 गोली। तो BC 17 एक कॉम्बिनेशन है, इसको ले लेना है दोस्तों आपको। ये भी पाइल्स के लिए बहुत अच्छी दवाई है। और दो दवाइयाँ और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक है सल्फर 30, ये सिर्फ वन टाइम लेना है आपको मॉर्निंग में, जैसे ही आप सबसे पहले उठेंगे एकदम खाली पेट, तो आपको कुल्ला करके और सल्फर 30 की 2 ड्रॉप जो है डायरेक्ट टंग पे लेनी है। इसको आप 30 ml की मात्रा में खरीद लीजिएगा दोस्तों। तो पर डे आपको उसको 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप लेना है सुबह सुबह, और ऐसे ही रात को जब सबसे पहले आप दवाइयाँ लेंगे तो उसमें रहेगी नक्स ओमेगा 200। तो नक्स ओमेगा 200 सिर्फ रात में प्रयोग करना है, और वो भी जो है 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे रहेगा। तो सुबह सल्फर, रात को नक्स ओमेगा 200, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर की दवाई। इसके बाद आप लेंगे BC नंबर 17, क्योंकि बायोकेमिक की दवाई है, 6-6 गोलियां 3 बार। फिर आपको दोस्तों लेना है जो पाइल्स का अपना जो फार्मूला है मदर टिंचर्स का, इसको आपको लेना है दोस्तों 1/4 कप गुनगुना पानी ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गुनगुना पानी ले लेना है 1/4 कप, और इसमें 20-20 ड्रॉप मिला के 20 सुबह को 20 दोपहर को 20 रात को, इसको 3rd नंबर पर आपको लेना है। तो सुबह 3 दवाइयाँ होंगी, रात को 3 दवाइयाँ होंगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको हेमराइड्स और पाइल्स पर रिलेटेड ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप जब ये फार्मूले को आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बेस्ट ट्रीटमेंट है पाइल्स और हेमराइड्स का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।